दीदी, हमारे पास इस पार्लर का फ्री मेकअप का कूपन था तो हम मेकअप करवाने आए थे। इस कूपन की वैलिडिटी अब खत्म हो चुकी है, निकल यहाँ से। पर दीदी, हमने तो फोन करके पूछा था तो उन लोगों ने बोला कि आ जाओ, मेकअप हो जाएगा, और अब आप मना कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ अब मैं मना, क्योंकि उस टाइम ना उन्होंने तेरी शक्ल नहीं देखी होगी। कभी तूने आईने में जाकर खुद को देखा है? काली कहीं थी। और हाँ, इस पार्लर में ना कभी दोबारा आने की जरूरत नहीं है, औकात नहीं है तेरी की, निकल यहाँ से। अरे मैम, ये कूपन तो वैलिड है, आप मेकअप करने के लिए मना क्यों कर रही हो? अगर आपको नहीं करना है तो आप मुझे बता दो, मैं किसी और स्टाफ को बोल दूंगा, वो मेकअप कर देगा। अच्छा ठीक है, बैठ। सर, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पर हमारी तो बारी ही नहीं आ रही। I'm sorry मैडम, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो आ गई तेरी बारी। दीदी, चलती हूँ मैं। अबे ओ, पैसे तो देकर जा। पैसे? किस बात के पैसे? वो जो कार्ड था उसमें तो फ्री का मेकअप था। दादा ना, बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये जो तूने नेल्स और वो जो ड्रायर कराया था ना, उसके पैसे कौन देगा? मैडम, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए मतलब पैसे चाहिए। दीदी, हमारे पास कोई पैसे नहीं। एक काम करते हैं, हम कहीं और से ला कर दे देते हैं। ओ तो तुझे मैं जाने दूँ और तुझ पे मैं यकीन कर लूँ कि तू चली गई तो तू वापस पैसे देने आएगी? मुझको बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुझ जैसी गरीब और दो बॉडी की लड़की के ऊपर मैं विश्वास ही क्यों करूँ? तू जब तक पैसे नहीं देगी तब तक यहाँ से मैं तुझे हिलने भी नहीं दूंगी। दीदी, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। एक काम करती हूँ, एक काम करिए, ये रख लीजिए हमारा आईडी कार्ड, जब मैं आपको पैसे दे दूंगी ना तो आप मुझे वापस कर देना। जब तक तेरे पैसे नहीं आएंगे ना तब तक मैं तुझे तेरा आईडी कार्ड नहीं दूंगी। अब जा यहाँ से। दीदी, आज से तुम मेरे इस पार्लर में काम नहीं करोगे, आउट। सर क्यों, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है अभी बताता हूँ। कांता, तुम और वो भी यहाँ सर के साथ? जी हाँ, ये मेरे साथ है, ये मेरे ही घर में काम करने वाली मेड की बेटी है, और वो पार्लर वाउचर के साथ ना इसे मैंने ही भेजा था। और तुमने इसे क्या बोला कि सिर्फ मेकअप फ्री है, ड्रायर और नेल्स के पैसे देने होंगे? हाँ, मुझे ना तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, हमेशा हर कस्टमर कंप्लेन करता था कि तुम उसके साथ बदतमीजी करती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, और यू नो मुझे ना तुम्हारा टेस्ट लेना था कि तुम सच में ऐसा करती हो या नहीं, इसीलिए मैंने कांता को भेजा था। और देखो, तुमने अपने रंग दिखाई दिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे पार्लर में काम नहीं करोगी, मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ, आप मुझे बस नौकरी से मत निकालिए। मैं सॉरी का क्या करूंगा मैं तुम्हारी, जब मेरा पार्लर ही बंद हो जाएगा तो तुम्हारे सॉरी से खाना खाऊंगा मैं? देखो विधि, क्या है, तुम्हारी वजह से मेरे इस पार्लर की ना रेपुटेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे इस पार्लर में जॉब डिजर्व नहीं करती हो, तो निकलो यहाँ से। सर प्लीज, मैंने कहा जाओ।